गुनाह चलो रब को मनाए, बख्शीश के तलबगार बने सर को झुकाए। रमजान का महीना है चलो रब को मनाए, बख्शीश के तलबगार बने सर को झुकाए। अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14 फैमिलियों को इनवाइट किया है। आज का जो ग्रोसरी का सामान है हमारी माँ जी आंटी हमीदा फ्राम डेनमार्क हमेशा मुस्तैक लोगों का ख्याल रखते हैं। साढ़े दिल चो हमेशा उन्होंने वास्ते एक दुआ निकल दे कि अल्लाह ताला साड़ी माँ जी ने सेहत तंदुरुस्ती अता करन। अल्लाह ताला हमेशा उन्होंने साया साढ़े उत्ते और उन्होंने बच्चों के उत्ते हमेशा कायम रखन। हमेशा माँ जी दूर बैठ के लोगों के बारे सोचते हैं, कभी लोगों के वाटर प्रॉब्लम आते हैं, कभी राशन का ख्याल करते हैं, जदों कोई यतीम बच्चा आ जाए उन्होंने कपड़ों का ख्याल करते हैं। तो कहने का मकसद है कि अम्मा जी हमेशा मुस्तहक लोगों का सहारा बनते हैं। अम्मा जी तुहाडे नाल हमेशा बहुत सारे लोगों दी दुआवां ने। अज भी असा जिन्हें 14 फैमिली नूं इनवाइट किया, इन ज़्यादा बेवा यतीम बच्चे ने, इन्हां दीआं दुआवां हमेशा तुहाडे नाल हन। नाल ही अल्लाह ताला खालदा बाजी नूं जन्नत अल फिरदौस च आला मकाम अता करे। खालदा बाजी इस दुनिया तो चले गए ने, मैनू पता चलिया है, उन्होंने वास्ते भी ढेर सारा दुआवां ने। अल्लाह ताला उन्हां दी फैमिली नूं सबर जमील अता करे, उन्हां नूं जन्नत अल फिरदौस च आला मकाम अता करे। तो अलहमदुल्ला फैमलियाँ साढ़े को इतने पहुँचा एक नवे गाँव के मैं मौजूद हाँ, क्योंकि साढ़े बस्तियाँ जिन्हें भी सारियां अलहमदुल्ला मैं पैकेज दे चुका। तो नवे गाँव के मैं बीवा खवतीन इनवाइट किया, इतने पहुँचते पैन उन्होंने तक इंशाल्लाह ताला उन्होंने हिस्से का समान पहुँचा देने। इन्हों के बच्चे खुश हो सन, इन्हों की ईद चंकी गुजर सी। यतीम बच्चे होते हैं, इस असं सिवइया भी ऐड कितिया ने, चावल भी ऐड ने, ताकि यतीम बच्चे किसी हमारे चेहरा ना वेखन। ईद वाले दिन उन्हों की ईद अच्छी गुजरे। हमेशा तुम उन्होंने दुआवें हिस्सा रखो। जजाकल्ला असलम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ बहनें जिनका नसीब था हमने उन तक पहुंचा दिया है। तो आप सबने जी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना है, आपका नसीब था हमने आप तक पहुंचा दिया है। उसके बाद आपने ख़ास तौर पर दुआएं करनी है हमारी माँ जी हमीदा बेगम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक उनको सिहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक खालदा बाजी को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इमरान भाई के लिए दुआएं करनी है, उसके बेटे अयान के लिए, शायदा बाजी के लिए, उनके पूरे ख़ानदान के लिए दुआ करनी है। उनके ननियाल, उनके दजियाल जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदके उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारा छोटा सा जो अमल कर रहे हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक हमारी माँ जी हमीदा बेगम को सिहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनका ख्वाब है कि वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए और आप लोगों के दरमियान में बैठ के आप लोगों की वो हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ फरमा दे सब। बे आस यतीमों के लिए आस बने हम, इफलास के मारों को भी सीने से लगाए। रमजान का महीना है चलो रब को मनाए, रमजान का महीना है चलो रब को। क्या हाल है? ठीक ही वे, आप खुश हैं? जी अब चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला उन्हें दे मुसीबत दूर करे, अल्लाह ताला उन्हें को शफा देवे, आमीन। उन्हें को जड़ा ना वो बीमार रहन दें, तो सब उन्हें सेहत वास्ते दुआ करनी है। उन्हें सेहत का ख्याल दे, आधे तो पैसे। तो इससे आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्की है हर आन सआदत, गफलत को परे फेंक के हो महव इबादत। इस माह मुबारक की है हर आन सआदत, गफलत को परे फेंक के हो महव इबादत। कुरान की तिलावत से मुआतर हो फजाए, रमजान का महीना है चलो रब को मनाए। रमजान का महीना है चलो रब को मनाए, बख्शीश के तलबगार बने सर को झुकाए। रमजान का महीना है चलो रब को मनाए, बख्शीश के तलबगार बने सर को झुकाए।